अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है जी, ये व्लॉग कब से बना हुआ रखा हुआ है, दो दिन बहुत बिजी थे इसलिए अपलोड नहीं करा, आज करते हैं। ठीक है, इधर मैं बना रही थी पराठा अपने लिए, मैं सुबह से भूखी थी। ये शब बारात से एक दिन पहले का यानी थर्सडे वाले दिन का व्लॉग है। मैं बहुत थक के चूर हो गई थी, तो फिर मैं मगरिब के टाइम अपने लिए खाना बना रही थी, एक साइड दूध बॉयल एक साइड पराठा। ठीक है जी, अच्छा यहाँ पे मैंने कबाब निकाले हुए थे फ्रीज़र से, मैं वो बना रही हूँ। ठीक है, और उसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ इसी व्लॉग में। और जब मैंने वो रेसिपी शूट करी थी ना, उसके बाद जब मैंने कबाब फ्राई करे तो मैं थोड़ा बिज़ी हो गई थी, तो मैं वो शूट नहीं कर पाई थी। तो मैं यहाँ पे कबाब भी फ्राई कर लूँगी, ठीक है, और मैं आपको उसकी रेसिपी भी दे रही हूँ। जो मैंने चिकन के कीमे के कबाब बनाए थे, बहुत ही डिलीशियस बने थे। यहाँ पराठा मेरा बन गया, मैंने उसे तवे पे डाल दिया। मेरी रोटी और पराठा हमेशा इतना बड़ा होता है कि कभी कभी ऐसा लगता है मुझे कोई बड़ा तवा और बड़ा लेना पड़ेगा, वो बिल्कुल इक्वल आ जाता है ना। ठीक है, यहाँ मैं घी डाल रही थी। अच्छा, मैंने क्या करा हुआ, यानी जो नीचे बढ़नी होती है ना, वो घी की आप जितनी एहतियात कर लो वो फिर भी ऑयली सी हो जाती है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, उसको ना नीचे ऐसे ही, जो हम किचन में टिश्यू यूज़ करते हैं रोल, और आपने उसको नीचे से ऊपर से रबर बैंड से कवर कर देना इस तरह करके, फिर वो आपके हाथ से स्लिप नहीं होगा। ठीक है, मैंने भी इसी तरह करा हुआ है, जब वो बहुत ऑयली होने लगता है फिर मैं उसे चेंज करके दूसरा लगा देती हूँ। ठीक है, यहाँ ये पराठा बन रहा है, अब रेसिपी आपसे शेयर करते हैं। ठीक है जी, और फिर नेक्स्ट व्लॉग में और चीज़ें एडिट करूँगी मैं। ठीक है जी, मैंने सारे काम फटाफट कर लिए हैं और रेसिपी अब शेयर करते हैं। ठीक है, ये सारा सब कुछ नीट एंड क्लीन हो गया। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, मैंने ये चने की दाल हाफ के जी अलग रखी हुई है, और वो मैं आपको आगे बताऊंगी हलवे का सीन। ठीक है, ये कबाब है जो मैंने फ्रीज़ करा हुआ है, चिकन के कबाब्स हैं, और वो बाकी वो कबाब्स हैं जो चिकन आलू और चने की दाल के हैं, वो मैंने रेसिपी अपने चैनल पर शेयर की हुई है। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे शबे बारात थी, तो हलवा तो मस्ट बनता है। ठीक है, तो मैंने चने की दाल का हलवा बनाया था, और ये मैंने सिकोरियन है, मैंने पहले खीर के लिए मंगवाई हुई थी, तो मैंने अब सोचा इसको मैं यूटिलाइज़ कर लूँगी हलवा बांटने में। ठीक है, सब जगह मैंने इसमें डाल के हलवा बांटा था। अब रेसिपी आ गई है। ठीक है, ये मेरे पास है हाफ़ के जी चिकन का कीमा, इसके अंदर मैंने ये चार हरी मिर्चों को यानी कटर में चॉप कर लिया है इस तरह, वो डालेंगे। इसके बाद डाली है मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज, वो भी चॉप करके ही डालनी है आपने। ठीक है, सेकंड आप डालेंगे इसके अंदर, प्याज मैंने पूरी डाल दी चॉप करके, अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। ठीक है, अब स्पाइसेस की तरफ चलते हैं। ठीक है, आपने लाइट मिर्चें खानी है तो लाइट रखिएगा, अगर तेज़ खानी है तो आप तेज़ रख सकते हैं। और ये है 1/4 टीस्पून हल्दी डाला, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर डाला है इसमें, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, मैंने पहले स्टार्ट में ही बताया मैं इसमें बेसन डालूंगी, आप बेसन स्किप करके कॉर्नफ्लावर डाल लीजिएगा, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, ये मैंने डाली है वाइट पिसी हुई मिर्च, सफ़ेद पिसी हुई मिर्च भर के 1 टेबल स्पून, और आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं इजीली। 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर डला है, ये गरम मसाला पाउडर जा रहा है, और ये है 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, और ये है उग गया ज़ीरा पाउडर 1/2 टेबल स्पून। इस सबको अच्छे से मिक्स करके मैरिनेट करके और कबाब बना के फ्रिज में रख दें सेपरेट, और फिर उसको फ्रीज़ कर दें एक बॉल में करके या किसी बैग में करके। और ये मैंने 1/2 टेबल स्पून काली मिर्ची डाल दी इधर, और ये नमक रह गया था तो मैंने 1 टेबल स्पून नमक डाल दिया भर के। यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून भर के बेसन का पाउडर डाल दिया है, और अब इस सबको अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे और फिर कबाब बना के फ्रीज़ कर दूंगी। यहाँ मैं डाल रही हूँ 2 से 3 टेबल स्पून धनिया, इस सबको आप अच्छे से मैरिनेट करके रख देंगे। मैंने 2 से 3 घंटे के लिए कबाबों को फ्रिज में रख दिया था क्लिंग शीट लगा के, अब मैं हटा रही हूँ, अब मैं इसके कबाब बनाऊँगी, फिर मैं अगेन इसे जितने फ्राई करने वो कर लूँगी, अगेन मैं इसे फ्रीज़र करके और बॉल में मिक्स कर दूँगी यानी फ्रीज़ कर दूँगी। तो इधर जी हल्का सा ऑयल को हाथ से ग्रीस करा,
और फिर ये फटाफट कबाब बनाए और रख दिए। ठीक है, फिर ये तो रेसिपी पहले की थी, फिर हम जा रहे थे बर्न्स रोड। ठीक है, मेरी फेवरेट फूड स्ट्रीट है, वहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाएगी जो आपने खाने है, एक ही रॉ में ना, यानी मिठाई हुई, मीठा, नमकीन, खाना, हर चीज़। तो मुझे वो फूड स्ट्रीट बहुत अच्छी लगती है। जब कभी आउटिंग का दिल हो और कोई दिल कर रहा हो बहुत सारी चीज़ें खानी है कि बर्गर्स, फ्राइज, फिश, मीठा, नमकीन, तो आप उस फूड स्ट्रीट पे जा सकते हैं, बेस्ट है। ठीक है, ये मैं आ गई थी नीचे पार्किंग में और अब हम जा रहे थे एंड फाइनली हम पहुंच गए। और ये थोड़े से महमूद के और मेरे क्लिप्स हैं। ठीक है जी, ये मैं वीडियो बना रही थी और हमने वहाँ से वो लेकर खाया था, क्या याद नहीं आ रहा, मैंगो मटका कुल्फी है। दिखाओ महमूद मटका, मैमूद चोमी। ठीक है जी, अब आपने मटका तो देख लिया, मैं समझ रही थी मिट्टी वाला मटका होगा, पर वो छोटा सा प्लास्टिक का मटका, उसमें कुल्फी फ्रीज थी और बहुत अच्छी थी और फ्लेवर्स में भी थी, मैंगो, पत्नी और दो तीन फ्लेवर्स ना और थे। ठीक है, बस ये है क्लिप्स। ठीक है जी, फिर हम यहाँ पे बैठ गए थे, फिर हमने जो खाना शाना था वो खाया, फ्री हुए, फिर घर की वापसी करी। ठीक है, यहाँ की सिटिंग बहुत अच्छी थी, सुकून से आप बैठें और खाएं जो आपने खाना है यहाँ पे। फिर आगे मैं कुछ पिक्चर्स शेयर करूँगी महमूद के और अपने। ठीक है, और इसके बाद ना मैं आपको एक वेल दिखाती हूँ, कुआँ मिट्टी का ना, वो लास्ट टाइम मैं बर्न्स रोड गई थी, मैंने यहीं से लिया था, वो दिखाती हूँ। मैं इससे पहले गई थी एक और दिन, तो यहाँ पे ना एक स्टॉल लगा हुआ था, ठेला जो होता है उसके ऊपर मिट्टी के बर्तन थे, मिट्टी के बर्तन तो सबने ही देखे, उसके ऊपर ना गोल्डन सा पेंट कुछ इस टाइप का हुआ था, वहाँ पे एक शिप भी थी, हाउस भी था, मुझे सब में ना सबसे अच्छा ये वेल कुआँ लगा, तो मैंने इसको परचेज कर लिया था और ले लिया था। ठीक है, बस ये वहाँ के क्लिप्स हैं। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आएगी, पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।